कोर्स बायस्ड है जो उनका ओपिनियन है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एजाज. चैलेंजर्स में से कोई जीत गया तो बड़ा मजेदार होगा, मतलब टोटली सीन पलट जाएगा. बहुत ही शॉकिंग है प्रोमो से तो लग रहा है बिल्कुल सीन पलट चुका है. जो लोगों को मैंने प्रिडिक्ट किया था वो शायद नहीं है टॉप टू में, बट वन प्रिडिक्शन इज राइट. रुबीना, आई थिंक रुबीना शुड मेक इट टू टॉप फोर. एजाज और अभिनव तो ऑलरेडी टॉप फिनाले में पहुंच चुके हैं. एंड राहुल ने आज अनएक्सपेक्टेडली एग्जिट ले ली है, तो वो मैं जानना चाहूँगी क्यों, बिकॉज मैं कम्प्लीटली मतलब रूट कर रही थी कि वो आगे बढ़े. पर आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं देखना चाहूँगी क्या हुआ. मैम कविता कौशिक ने भी कभी अगर देखा है तो उन्होंने भी बिना कुछ कहे सोचे समझे घर से बाहर हो गए थे. जी, उनका मानना ये था कि बिग बॉस बायस्ड है, जो उनका ओपिनियन है. वी आर ऑल फ्री सोच सकते हैं, बट ज़रूर कहना चाहूँगी बहुत ही मुश्किल खेल है और अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग क्रैक हो जाते हैं यहाँ पे. सो मे भी उनका कॉल था, जैसे आज राहुल ने भी कॉल ले लिया एग्जिट करने का. सो इट्स नॉट एन ईजी गेम और सीजन बाई सीजन इम्प्रूव होता है. बहुत ही मुश्किल गेम है, बहुत ही टेस्ट करता है आपका पेशेंस, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ आपका करेज. सो आई'd लाइक टू विश कविता जी ऑल द बेस्ट, बट शी वाज डूइंग वेल. शेफाली को हम कब देख सकते हैं फिर? अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर. बता सकते हैं या फिर सस्पेंस? आई एम सो सॉरी, आई विश आई कुड टेल. एजाज का गेम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है एजाज. सोलो खेलने की हिम्मत रखते हैं और ये देख के मुझे बढ़िया लगता है. और मुझे लगता है वो सही समय पर सही जगह पे आए हैं. एजाज के जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, जो मेंटली वो ट्रॉमेटाइज्ड है, बिग बॉस का घर है जो उसको हील करेगा. आई एम श्योर ही कम आउट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. सो ही इज़ एट द राइट प्लेस एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल. मैं विनर किसे देखना पसंद करेंगे आप? अभी तो बहुत मतलब आज तो चैलेंजर्स भी एंटर कर रहे हैं. मैं ये सोच रही हूँ कि अगर चैलेंजर्स में से कोई जीत गया तो बड़ा मज़ेदार होगा, मतलब टोटली सीट पलट जाएगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.